दो मिनट में ये नाश्ता बनाई और अपने घर वालों को खिलाई। और हमने जो मूंगफली फ्राई करी उसको भी डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें मिलाएंगे वेजिटेबल्स। आप जो जो खाते हैं सारी वेजिटेबल्स इसमें मिला सकते हैं। आप इसमें अगर खाते हैं तो काला नमक भी डाल लीजिए, बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। तो आज हम बनाने वाले हैं पापड़ से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, या आप कह सकते हैं नमकीन, सिर्फ और सिर्फ दो पापड़ से। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे बनाना है। सबसे पहले ये पापड़ों को हमको रोस्ट करना है, तो हम जलाएंगे यहाँ पे गैस। तो हमने गैस जला दिया, अब हम रखते हैं पैन और अब हम इसमें सेकेंगे हमारे जो पापड़ है। ये देखो दो पापड़ हमने लिए है, तो इसको हमको सेकना है। बिल्कुल थोड़ा सा इसमें लगाना है घी, बहुत ज्यादा नहीं, तो हल्का सा इसमें घी लगाना है ऐसे करके। और उसके बाद हमको हमारे जो पापड़ है उनको सेकना है ऐसे रख के। देखिए ऐसे ऐसे रख के इसको सेकेंगे ना तो बहुत आराम से ये सिक जाएंगे, जलेंगे भी नहीं। आप इसको वैसे भी सेक सकते हैं फ्लेम पे, लेकिन वो डायरेक्टली ना, अगर आप डायरेक्टली सेकेंगे गैस पे तो वैसे में आपके जो पापड़ है वो जल जाएंगे। तो ये देखिए ऐसे आपको सेक लेना है, बहुत अच्छे तरीके से ये सिक जा रहे हैं। ऐसे ही आपको दोनों तरफ पलट के अच्छे से सेक लेना है, इसको पका लेना है। तो ये जो नाश्ता है ना, ये नाश्ता या नमकीन जो भी कह लें, ये इतना ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनेगा। इसमें आप बहुत सारी वेजिटेबल्स और सारी चीज़ें आप मिलाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमने सोचा कि चलो आपके साथ क्यों ना आज हम शेयर करें। जैसे कभी कभी होता है ना कि इवनिंग के टाइम में आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता है, तो कुछ चीज़ें घर पे रहती है तो आप सोचते हो कि क्या खा ले, थोड़ा सा चटपटा सा कुछ मन करता रहता है। तो ये चटपटा सा वही नाश्ता है जो आज हम आपको बता रहे हैं। तो ये देखिए हमारा जो पापड़ है वो अच्छे से सिक चुका है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे और अब हम हमारा दूसरा वाला पापड़ सेकेंगे। तो इसमें पहले से ही घी लगा है, अब हम ज़्यादा घी नहीं लगाएंगे, तो इसको बस हम धीरे धीरे ऐसे सेक लेंगे। तो देखिए हमारा ये वाला पापड़ भी सिक गया है अच्छे से। आप जो कोई सा भी पापड़ ले सकते हैं, हमने मूंग वाला पापड़ लिया है, आप मूंग दाल या उड़द दाल या जीरा कोई सा भी, इसमें बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, तो आप कोई सा भी पापड़ ले सकते हैं। हमारा जो दोनों पापड़ ही अच्छे से सिक चुका है, अब हम इसमें रोस्ट करेंगे मूंगफली। थोड़ा सा हम इसमें मूंगफली भी डालेंगे जिससे कि हमारी जो नमकीन है, हमारा जो चटपटा सा नाश्ता है वो और भी अच्छा बने। तो इस पे हम इसको धीमी आंच में धीरे धीरे सेक लेंगे, हमारी मूंगफली जल्दी सिक जाएंगी। तो देखिए हमारी मूंगफली जो है वो भी अच्छे से सिक चुकी है। तो अब हम चलते हैं हमारा टेस्टी सा नाश्ता या नमकीन बनाने की तरफ। तो ये देखिए हमने जो पापड़ सेके थे, अब हमको इसको लेना है एक बॉल में। तो ये देखिए ये जो सारे पापड़, इसको ऐसे तोड़ लेना है जैसे कि हमने तोड़ लिया है, ऐसे करके इसको छोटा छोटा कर लेना है, एकदम क्रश कर लेना है। ये देखिए कितना बढ़िया से हो गया है ना, कितना ज़्यादा क्रंची है। अब हम इसमें मिलाएंगे वेजिटेबल्स। आप जो जो खाते हैं सारी वेजिटेबल्स इसमें मिला सकते हैं। जैसे कि हमने लिया है टमाटर, गाजर, प्याज, हरी मिर्च, ये है ककड़ी और इधर है बीटरूट और हमने लिया है नींबू। अगर आप इसमें और भी वेजिटेबल्स डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अगर इनमें से आपके पास नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको मिलाते हैं। तो हमने प्याज डाल दिया है, हमारे टमाटर भी आ गए, खीरा, हरी मिर्च, बीटरूट, टमाटर और हमने जो मूंगफली फ्राई करी उसको भी डाल देंगे इसमें। और ये है हमारे पास सेव, अगर आपके पास इससे पतली वाली सेव है तो वो भी आप इसमें मिला सकते हैं, अगर मोटी वाली ये वाली है तो भी आप डाल सकते हैं। ये हमने डाल दिया। अब हमको डालना है इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला और नमक। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप मेरी तरीके से इसमें मैगी मसाला ऐड कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल थोड़ा सा इसमें मैगी मसाला ऐड करेंगे और हम इसमें डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसको मिक्स कर देंगे। आप इसमें अगर खाते हैं तो काला नमक भी डाल लीजिए, बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। चाट मसाले का इसमें बहुत अच्छा स्वाद आएगा। हमने चाट मसाला नहीं डाला है क्योंकि हमारे पास नहीं था, हमने मैगी मसाला डाल दिया है। तो ये देखिए सिर्फ दो मिनट में, दो मिनट भी नहीं लगे हैं, मतलब इतनी जल्दी सा इतना टेस्टी सा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। इसको आप नमकीन कह सकते हो, नाश्ता कह सकते हो। हमारे मुंह में तो बहुत पानी आ रहा है, चलिए हम इसको लेते हैं और खाते हैं, देखते हैं कि कैसा बना है। तो हमने ले लिया है बाउल में और ये देखिए इसमें खूब सारे वेजिटेबल्स जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। वेजिटेबल्स खाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जो कि हेल्दी होता है। तो ये नाश्ता जो है वो हेल्दी भी है। वाह।
एक नंबर का बना। तो कुछ ही सिंपल तरीके से आप भी सिर्फ 2 मिनट में ये नाश्ता बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो।